झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में पहले चरण के चुनाव के दौरान भाजपा पर उनकी और राज्य की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक रिपोर्ट साझा करते हुए दावा किया है कि भाजपा द्वारा फेसबुक पर शेडो कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके जरिए लाखों रुपए के विज्ञापन खर्च कर झूठी छवि पेश की जा रही है। हेमंत सोरेन का कहना है कि भाजपा के इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य उनके नेतृत्व और राज्य को बदनाम करना है। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि झारखंड चौपाल और रांची चौपाल जैसे फेसबुक पेजों पर हाल ही में करीब 72 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इन पेजों का उद्देश्य हेमंत सोरेन और उनके राज्य की छवि को नुकसान पहुँचाना, धार्मिक उन्माद फैलाना और लोगों में आपसी मतभेद उत्पन्न करना है। उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग में शिकायत के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि राज्य में 95,000 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप भी इस प्रचार के लिए सक्रिय हैं। हेमंत सोरेन ने जोर देते हुए कहा कि जबकि भाजपा ने करोड़ों रुपए प्रचार में झोंके हैं, उन्होंने अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए अब तक एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। उनका मानना है कि गलत तरीके से जीतने से बेहतर अपने सिद्धांतों पर अड़े रहना है। उन्होंने लोगों से कहा कि इस तरह की घिनौनी राजनीति से वे विचलित नहीं होंगे, बल्कि जनता की भलाई के लिए सदैव कार्यरत रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि तानाशाहों के पास अरबों रुपए हो सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई और न्याय के पक्ष में है उन्हें किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की राजनीति में नकारात्मक और धर्म का सहारा लेकर जनता को लगातार भटकाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा की झारखंड इकाई ने हेमंत सोरेन के इन आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें निराशा और हताशा का प्रतीक बताया है। इस मुद्दे पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के आरोप बेबुनियाद हैं। पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता पर तंज कसते हुए कहा है कि ये बयान उनकी हार की स्वीकारोक्ति है। भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपक प्रकाश ने इसे हेमंत सोरेन की हार का प्रतीक बताते हुए कहा है कि जनता का विश्वास झारखंड मुक्ति मोर्चा से हट गया है और इसलिए हेमंत सोरेन अब इस प्रकार के निराधार आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने चुनाव में जनता से उनके पक्ष में समर्थन देने की अपील की। उन्होंने वादा किया कि अगले 5 वर्षों में वे राज्य के विकास के लिए दोगुने प्रयास करेंगे और झारखंड को एक प्रगति की राह पर अग्रसर करेंगे। मैं इरशाद पुरनवी, अपने कस्बा विधानसभा को बदलने के लिए, विकसित करने के लिए हमारे साथ आप तैयार हो जाइए।